रात को बस स्टैंड में त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स के सामने लगभग 8 बजे के बाद ट्रांसजेंडरों की गुंडागर्दी शुरू होती है और कुछ तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं गुंडागर्दी की। संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। रात को बस स्टैंड में त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स के सामने लगभग 8 बजे के बाद ट्रांसजेंडरों की गुंडागर्दी शुरू होती है और कुछ तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं गुंडागर्दी की। मारने की तस्वीरें, ईंटें उठा के जो ट्रांसजेंडर है वो मारने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि वस्त्रहीन होने की भी कोशिश कर रहे हैं। सुनने में तो ये भी आता है कि ये लोग रात को 8 बजे के बाद यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं। कई सारे युवा जो हैं वो रात को ना जाने यहाँ क्या करने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद उनको ट्रैप किया जाता है, फिर बाद में उनके वस्त्र भी उतार लिए जाते हैं, उनके पैसे भी ले लिए जाते हैं, ये सब भी चलता है यहाँ पर। जिस स्पॉट के ऊपर ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, रात को यहाँ पर तमाशा करते हैं, देह व्यापार चलता है यहाँ पर, उस स्पॉट पे ही मैं खड़ा हूँ। ये आप ये देखें मेरे पीछे, ये सामने जो है यहाँ पर रात को ये लोग इकट्ठे होते हैं, ये ऊपर शौचालय इस तरफ चले जाते हैं, लड़के जो हैं उनको बुलाकर फिर यहाँ ये जो थोड़ा सा घुमाकर अगर पार्क आपको दिखाया जाए तो इस पार्क में घुस जाते हैं, आगे बिल्डिंग है वहाँ पर ले जाते हैं। इसके अलावा ये जो लोकेशन है यहाँ पर और इसके अलावा सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सुपर स्पेशलिटी की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ पर भी ये लोग एक्टिव रहते हैं। थोड़ा सा अगर आपको हम वहाँ पर भी तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर भी ये लोग एक्टिव होते हैं, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं यहाँ पर। और प्रश्न ये है कि यहाँ पर क्या पुलिस को कानो कान खबर नहीं है कि ये गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पर। पहले आप वो तस्वीरें देखें जो वायरल हुई थी, वो तस्वीरें देखें किस तरह से यहाँ पर ट्रांसजेंडर जो है वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, देह व्यापार जो है वो यहाँ पर चलता है, क्या कुछ हो रहा है वो तस्वीरें आप एक बार देखें। ये उठा रहा है, ये एक वो आगे, एक वो आगे, ये नहीं क्या, नहीं 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 नहीं। हमारे साथ इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए ऑनलाइन पर मोहित जम्वाल है जो हमारे क्राइम रिपोर्टर है। मोहित जी, दीपक, ये त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स के सामने बस स्टैंड जुरिडिक्शन में क्या चल रहा है, ये किस तरह की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, आपके पास क्या जानकारी है? दीपक, इस मामले में पिछले कुछ समय की बात करूंगा तो ये एक तमाशा सा बना हुआ था, लोगों के साथ मारपीट होती थी और दूर या तेजधार हथियार भी निकल जाते थे। उससे पहले एक पत्रकार पर भी यहाँ पर जानलेवा हमला किया गया था जिसके बाद कुछ समय के लिए ये चीजें रुक गई थी पत्रकार पे, हाँ जी। लेकिन अब ये दोबारा से चीजें शुरू हो गई है जी दीपक, मतलब नए एसएचओ के आने से शुरू हो गई है कि उससे पहले शुरू हो गई थी? तो ये क्या कह सकते हैं, नया सचो के आने से शुरू हुई है कि नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए चीजें बीच में बंद हुई थी जब एक पत्रकार पर यहाँ पर रात को हमला किया गया था। नहीं, इस तरह की भी बातें सुनने में आती हैं कि ये लोग लोगों के यहाँ पर जो युवा आते हैं वो उनके वस्त्र भी उतार लेते हैं, तेजधार हथियारों से हमले भी करते हैं, ये सब यहाँ पर रात को ड्रामेबाजी जो है वो यहाँ पर चलती रहती है, गुंडागर्दी चलती रहती है, तो यहाँ पुलिस को कोई कानो कान खबर नहीं है। दीपक, इस मामले में कई बार पुलिस के पास भी लोग शिकायत लेकर गए हैं लेकिन उसके बाद कोई उचित कार्रवाई ना होने के कारण इन लोगों के हौसले बुलंद हो रखे हैं। अच्छा, देखने को मिलता है, अगर रात को आप यहाँ पर से गुजरे तो गुजरना मुश्किल हो जाता, मतलब इतनी ज्यादा गुंडागर्दी है। हेलो, एक तरह से व्यापार चल रहा है, ये देह व्यापार चल रहा है बिल्कुल। देखो, ये लोग
क्या कहे इसमें, लेकिन यहाँ पर ऐसा सब चलता है, ऐसी बातें सामने आती रही है। और अभी भी ये साफ तौर पर रात की तस्वीरें देख ले, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि उनकी लड़ाई का कारण क्या था। दीपक देखो ये सब क्या पुलिस के आशीर्वाद से चल रहा है? दीपक ये कहना उचित नहीं होगा पुलिस के आशीर्वाद से चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर पीसीआर बैन को पेट्रोलिंग करनी चाहिए, रात को पुलिस को पेट्रोलिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये जगह पिछले काफी लंबे समय से सुर्खियों में रही है। दीपक नहीं तो इस तरह की भी बातें बीच में सुनने में आई थी हमें कि यहाँ पर महीने जो है वो इन ट्रांसजेंडरों ने पुलिस वालों के साथ लगा रखे हैं, 40,000 रुपए दे रहे हैं, इस तरह की बातें आपके पास पहुंची है? दीपक ऐसी कोई जानकारी मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन ऐसे रोक लगते रहते हैं पुलिस पर। अच्छा तो इस पे पुलिस क्या कहती है कि वो रोक लगा पाएगी कि नहीं? दीपक मैंने फोन पर बातचीत करने का प्रयास किया गया था, लेकिन एसएचओ के साथ बात नहीं हो पाई है मेरी। अच्छा, बात नहीं हो पाई है। जब मेरी उनसे इस मन में बात होती है तो मैं आपसे दोबारा जानकारी साझा करूंगा। चलिए शुक्रिया शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखें आप, जानकारियां हैरान करने वाली हैं, तस्वीरें जो हैं वो भी हैरान करने वाली हैं। यहाँ पर पिछले दिनों तो ये भी सुनने हमें आया था क्योंकि एक पत्रकार को मारा था, मारपीट हुई थी, पत्रकार के साथ मारपीट हुई थी, उस समय कई सारी बातें जो थी वो निकल कर सामने आई थी। जो उसके बाद थानेदार आए तो उन्होंने यहाँ पर इन चीज़ों पर कंट्रोल भी किया था, लेकिन अब ये फिर से यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर वीडियो भी आप बना नहीं सकते हो। अगर आपको इन ट्रांसजेंडरों ने देख लिया तो ये आपको जान से ही मारने की कोशिश करते हैं। इनके पास सुनने में तो ये भी आता है तेजधार हथियार भी होता है, तो ये गुंडागर्दी जो है वो शरेआम यहाँ पर चल रही है और ये तेजधार हथियार जो है वो चलाए जा रहे हैं, देह व्यापार चल रहा है और ना जाने यहाँ पर किस तरह के लूटपाट के मामले जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।